अरे वाह छोटे, खुशी जी ने एक बार बुलाया और तुम आ गए। मैं सिर्फ ये चेक करने के लिए आया, खुशी यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही? हे भगवान, दूध उबल गया होगा, हम अभी जाके देख के आते। अंजलि जी, हम देख कर आते। हेलो, हाय, बाय बाय। सिर्फ देखे से काम ना चली, अगर दूध उबला है तो कुछ करे का पड़ी। अब तुम कुछ और कर दी तो लास्ट टाइम वाली खट्टी मिठाई हमको अच्छे से याद है। हम सेल्फ हम देख के आए हुए हैं। अब स्किप कर, चलो हमारे साथ। वो आपके मुंह में मैया, आजकल ना आप हमसे बहुत उखड़ी उखड़ी सी रहती। लगता है पिछले हफ्ते जो प्रसाद हमने चढ़ाया आपको अच्छा नहीं लगा। तभी तो जब हमने शादी के बारे में पूछा और आपने जवाब ही नहीं दिया। खुशी जी, आप क्या बड़बड़ा रहे हो? शादी? किसकी शादी? हमारी। हाँ? नहीं, हमारा मतलब है आपकी शादी। आपने शादी के बारे में कैसे सोचा? इनसे प्यार में पड़ना कोई मुश्किल बात थोड़ी ना थी। प्यार? मतलब आपकी शादी लव वाली थी? लेकिन फिर भी आपको पता कैसे चला? पता तो चल जाता है। आपको पता है ये ना हमें बहुत प्यार करते थे, हमारा बहुत ख्याल रखते थे। जो हमें अपने पति में खूबियां चाहिए थी ना, ये सब इनमें थी। तो बस ना बोलने का तो सवाल ही नहीं उठा। लेकिन फिर भी अंजलि जी, हमारा मतलब है कि कुछ तो ऐसे हुआ होगा जिससे आपको पता चला कि यही वो इंसान है। पता है खुशी जी, जीवन में ना एक ऐसा इंसान आता है जिसे आप हर पल देखना चाहते। रात को सोने से पहले बस वही एक चेहरा होता है जो आप देखना चाहते हो। सुबह उठने पे ना बस ऐसा लगता है कि उनकी नजर आप पे पड़े। अगर उन्हें कोई दुख है ना, तो बस दिल करता है कि कुछ भी करके वो दुख उनके जीवन से हटा दे। बस पता चल जाता है। पता करने से याद आया,
हम पता करते हैं कि ये हैं कहाँ। कल ये बहुत परेशान थे। हम आते हैं। अन्नम जी, वो स्टूल